मैं भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा की समर्थक हूं जो जाति विहीन समाज की स्थापना करने में, राजनीति में शुचिता की स्थापना करने में, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात करने वाली पार्टी की इस विचारधारा की मैं समर्थक हूं और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही स्नेह करती हूं। परंतु पिछले कुछ महीनों से आगरा के स्तर पर कुछ इस तरह की गंदगी महिला राजनीति में फैल रही है, जिसके विषय में मैंने उचित केंद्र बिंदुओं पर बात भी की, लेकिन जब मुझे लगा कि स्थितियां संभल नहीं रही हैं और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना मुझे मंजूर नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपने महानगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता बनकर काम करती रहूंगी, सेवा करती रहूंगी। कल मेल के माध्यम से शाम को उनका इस्तीफा हमको मिला है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि मेरी मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता का मानसिक उत्पीड़न कभी नहीं हो सकता। संगठन का काम हम सब लोग करने वाले लोग हैं और संगठन के अनुसार सब लोग काम करते हैं।